एनआईए के अनुसार लश्कर ए तैयबा सरगना हाफिज सईद एक संगठन फलाह इंसानियत के माध्यम से आतंकी फंडिंग कर रहा था। फलाह इंसानियत को संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। लश्कर ए तैयबा के द्वारा मस्जिदों को फंडिंग मामले के खुलासे के बाद से ही जांच एजेंसियां काफी सतर्क हो गई हैं। एनआईए इस मामले की जाँच कर रही है और जल्द ही मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय भी जांच शुरू कर सकता है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच शुरू होने के बाद मदरसों और मस्जिदों की संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत ईडी को ब्लैक मनी से बनी किसी भी संपत्ति की जांच करने और जब्त करने का अधिकार है। आपको बता दें कि पिछले महीने ही एनआईए ने देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे लश्कर ए तैयबा की आतंकी फंडिंग के नेटवर्क का पर्दाफाश किया और तीन आरोपियों मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सलीम और अब्दुल राशिद को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान ही पता चला कि लश्कर ए तैयबा मस्जिदों और मदरसों के माध्यम से देश के भीतर कट्टरता फैलाने की भी साजिश कर रहा है। इसके बाद से ही एनआईए ने जांच में तेजी लाते हुए कई जगह छापेमारी की और छापे के दौरान 1,56,00,000 नगद, 43,000 रुपए की नेपाली मुद्रा, 14 मोबाइल फोन और 5 पेन ड्राइव और दस्तावेज जुटाए। एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बरामद मोबाइल फोन, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क की जांच और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद आतंकी फंडिंग से आए धन को मस्जिद और मदरसों में लगाने का खुलासा हुआ है और उन्होंने ये भी कहा कि इस संबंध में जल्द ही केस से जुड़े दस्तावेज ईडी को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके बाद ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत नया केस दर्ज करेगा। ईडी का काम मुख्य रूप से आतंकी फंडिंग से बनाई गई संपत्तियों का पता लगाकर उसे जब्त करने का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।